हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर अजीत कुमार। आज मैं आपको हार्ट से संबंधित यानी कि हार्ट डिजीज के बारे में बताना चाहता हूँ कि हार्ट डिजीज जो होते हैं कैसे होते हैं, उसका क्या क्या लक्षण है और शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, और होम्योपैथिक में उस डिजीज को कैसे सेवन करें ताकि हार्ट डिजीज से आप बच सकते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं हार्ट डिजीज से संबंधित कुछ जानकारियां आपको दे देना चाहता हूं। आज पूरे विश्व में हार्ट डिजीज से लगभग 20-25% लोगों को मृत्यु स्पेशल हार्ट डिजीज से होती है, क्योंकि हार्ट डिजीज ऐसा होती है यानी कि हार्ट अटैक ऐसा होती है कि पेशेंट को पता भी नहीं रहता है कि कब मुझे अटैक कर देगा और कितना सीरियसली हो जाएगी और इसका क्या परिणाम होगी। तो इसके बारे में मैं लक्षण बता देना चाहता हूँ और हार्ट अटैक किस कारण से होती है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो सर्वप्रथम हार्ट अटैक किस कारण से होती है उसके बारे में बता देना चाहता हूँ। हार्ट अटैक यानी कि हृदय शूल, जो कि बाएं साइड में ज़्यादा पेन होती है यानी कि बाएं साइड छाती में ज़्यादा दर्द महसूस होने लगती है। तो दर्द क्यों होती है इसके बारे में मैं बता देना चाहता हूँ। मुख्य कारण होता है दिल को यानी कि हार्ट को खून सप्लाई करने वाली ब्लड आर्टरी में रुकावट पैदा होती है। ये रुकावट कैसे आती है यानी कि ब्लड को क्लॉटेड होने के कारण ये रुकावट किसी खून के थक्के यानी कि ब्लड क्लॉटेड के कारण हार्ट डिजीज होने की संभावना ज़्यादा प्रबल होती है यानी कि दिल के दौरा होने की संभावना ज़्यादा होती है। दूसरा कारण है आर्टरी यानी कि ब्लड आर्टरी में ऐंठन के कारण, ब्लड आर्टरी में कहीं ऐंठन आ जाती है यानी कि गांठ भी पड़ सकती है, उसके कारण ब्लड आर्टरी में ब्लड का सर्कुलेशन में रुकावट पैदा होती है जिसके कारण या आर्टरी में फैट डिपॉजिट होने के कारण यानी कि फैट जमा होने के कारण भी हार्ट डिजीज का शिकायत हो सकती है और हार्ट का अटैक हो सकती है। हार्ट अटैक का मुख्य कारण मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मोटापा ज़्यादा होने के कारण होती है। दूसरा कारण है सिगरेट पीना, हाई ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी का बढ़ जाना, डायबिटीज होना, कोलेस्ट्रॉल होना यानी कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाना तथा हेरिडेटरी यानी कि वंशानुगत ऐसा लक्षण देखा गया है कि अगर उन्हें किन्हीं
माता पिता को ऐसा शिकायत है तो उनके बच्चों को भी हार्ट डिजीज होने की संभावना रहती है, उसे हेरिडेटरी कहते हैं। इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं मैं इसके बारे में बता देना चाहता हूँ। अगर हार्ट डिजीज किन्हीं को ऐसा होती है, यानी कि छाती में दर्द जो कि बाएं साइड में होती है, तो कभी कभी दर्द हाथ तक फैल जाती है, यानी कि बाएं साइड के छाती में दर्द होती है और यह दर्द हाथ तक फैल जाती है और पीछे कंधे तक भी और पीठ तक भी दर्द शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ सांस तेजी से चलने लग फूलना भी कह सकते हैं और ज़्यादा मात्रा में पसीना आने लगती है। कभी कभी किसी केस में किसी पर्संस को मितली आने का भी शिकायत होती है, यानी कि नौसिया वोमिटिंग का टेंडेंसी रहती है तथा कोई वर्किंग करते हैं या घरेलू काम करते हैं तो बहुत जल्दी थकावट आ जाती है, यानी कि थक जाते हैं और ऐसा केस में नब्ज यानी कि पल्स तेज चलने लगती है। तो हार्ट डिजीज से संबंधित अगर किन्हीं को हार्ट अटैक करता है तो उसमें क्या क्या लक्षण होते हैं मैं आपको बताया कि बाएं साइड के छाती में दर्द होना शुरू हो जाती है, वो दर्द पीछे भाग में भी चला जाता है यानी कि पीठ में भी चला जाता है और हाथ में भी दर्द शुरू हो जाती है, दम फूलना शुरू हो जाती है, सांस लेने में कठिनाइयाँ होती है और नब्ज का पालपेशन जो शिकायत है वो तेज़ी से चलने लगती है और पसीना भी ज़्यादा मात्रा में आने लगती है। अब इसके बारे में किन्हीं पर्संस को अगर ऐसा शिकायत है तो इस वीडियो को पूरी तरह से देखें, सोचें और मेडिसिन्स के बारे में भी मैं जो बता देना चाहता हूँ गौर से सुने और इसमें कौन कौन सी मेडिसिन्स चलेगी, उसमें क्या इसका भूमिका है, इसके बारे में भी पूरी तरह से बता देना चाहता हूँ। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक धैर्यपूर्वक सुने। अगर ऐसा किन्हीं पर्संस को शिकायत है हृदय शूल, जिसे आप अंग्रेजी में एग्जिना पेक्टोरिस भी कहते हैं, यानी कि हार्ट अटैक किन्हीं को ऐसा पर्सन होने का शिकायत रहता है और ऐसा लक्षण दिखाई पड़ती है, तो इसके लिए होम्योपैथिक में बहुत अच्छी मेडिसिन है और इस मेडिसिन को कंटिन्यू अगर आप 2-3 महीने चला दें तो ऐसा केस पूरी तरह से ठीक हो जाती है। ऐसा केस में सर्वप्रथम आप सबसे पहले लैकेसिस दवा दें। लैकेसिस दवा चलाएं 200 नंबर के, सुबह शाम दवा चलाएं। और ऐसे पर्संस जिनका शरीर ज़्यादा मोटा हो और धड़कन तेज चल, दूसरी दवा है गलोलाइन 30 नंबर के, इसे चलाने के पहले आप ब्लड प्रेशर चेक कर लें। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ गई है और धड़कन तेज चल रही है, पसीना ज़्यादा मात्रा में निकल रही है, तो ग्लोलाइन 30 नंबर की दवा दिन भर में 3 बार चलाएं। तो जो अभी लक्षण दिखाई पड़ रहा है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तीसरा मेडिसिन्स छाती में दर्द के साथ अगर मांसपेशियों में भी दर्द हो और हाथ में भी दर्द बरकरार रहती है तो आर्निका माउंट 200 नंबर की दवा सुबह शाम चलाएं, इससे हाथ का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसके साथ साथ होम्योपैथिक में इसके लिए
बहुत अच्छी मेडिसिन है कैक्टस ग्रांडी फ्लोर। 30 नंबर की दवा। और दूसरी मेडिसिन है डिजिटेलिस पी, 30 नंबर की दवा। ये दोनों पर्याप्त क्रम से अल्टरनेट 3-3 घंटे पर बदल करके चलावें तो हृदय शूल आने की, हार्ट अटैक का जो दौरा आया है बहुत जल्द आराम मिल जाएगा और पेशेंट 2-3 घंटे में अपने आप को रिलैक्स महसूस करना करने लगेंगे। अगर एक किन्हीं पर्संस को ऐसा केस ज़्यादा दिन से शिकायत हो, यानी कि छाती दर्द को बराबर होने का शिकायत होती है, तो उन पर्संस को सुबह में कैक्टस ग्रैंडी फ्लोर 30 नंबर के दें और शाम को डिजिटेलिस 30 नंबर को दें। उसके साथ साथ ऑक्सी क्यू और अर्जुना क्यू, दो गो मैंने मदर टिंचर दवा का नाम बता रहा हूँ, वो आधे कप पानी में 10-10 बूंद 4-4 घंटे के अल्टरनेट पर मेडिसिन चलाए तो अगर ऐसा शिकायत है छाती दर्द का 2 दिन में पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो मैं आपको हृदय से होम्योपैथिक दवा बताया, एक बार फिर से मैं उस दवा को रिवीजन कर देना चाहता हूँ। अगर किन्हीं पर्संस को हार्ट से संबंधित ऐसा केस है, आनी की छाती दर्द का शिकायत है, तो बीपी ज़्यादा अगर है तो उन पर्संस को ग्लोनाइन दवा चलाएं। अगर शरीर ज़्यादा मोटा हो और पसीना ज़्यादा मात्रा में आती है तो लाइक एसिस दवा चलाएं। अगर ऐसा केस नहीं है और बराबर छाती में दर्द का शिकायत बना हुआ रहता है तो कैक्टस ग्रांडी फ्लोर 30 नंबर के सुबह में और डिजिटेलिस 30 नंबर की दवा शाम में कंटिन्यू चलावे 2-3 महीने तक। और इसके साथ साथ क्रेटेगस ऑक्सी क्यू और अर्जुना क्यू आधे कप पानी में 10-10 बूंद 4-4 घंटे के अल्टरनेट पर चलावे 2-3 महीने तक दवा का सेवन करें। हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जो हार्ट से डिजीज से संबंधित यानी कि जो सफ़र कर रहे हैं वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, यानी कि रक्त आर्टरी में रुकावट या ऐंठन आ गई है, उस दवा को कंटिन्यू चलाने से पूरी तरह से ठीक हो जाती है और पेशेंट अपने आप को हेल्दी महसूस करना शुरू कर देते हैं। इसके साथ साथ आप कंटिन्यू ब्लड प्रेशर को चेक कराते रहें। अगर ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो गई है तो ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए ग्लोनाइन मेडिसिंस का उपयोग करें। और अगर ऐसा केस दिखाई पड़े हृदय शूल से संबंधित यानी कि छाती दर्द से संबंधित, हार्ट डिजीज से संबंधित, तो मैंने ये जो दवाइयाँ बताया है उसे कंटिन्यू सेवन करें। हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि आप इस केस को आसानी से हैंडल कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।